गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आजकल पता नहीं मेरा कुछ भी करने को मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि कुछ भी ना करूँ, कोई वीडियो ना बनाऊँ। बट फिर सोचती हूँ कि सबके लिए वीडियो बनाना भी ज़रूरी है। ये भी एक काम के जैसे ही हो गया, एक जॉब के जैसे हो गया, तो फिर से उठ जाती हूँ। तो इसीलिए फिर से तैयार हो गई हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो अभी बस मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपना। और अभी टाइम हुआ है 4:30 और अभी इलू सो रही थी, तो अभी मैं इलू को जगाऊंगी और उसके लिए कुछ बनाऊंगी, या तो शेक बनाऊंगी या कुछ भी जो भी वो बोलेगी मैं वो बना दूंगी। आज मेरे हस्बैंड भी नहीं आए, वरना वो आते हैं तब कुछ इवनिंग स्नैक्स वगैरह मैं बनाती हूँ। बट इलू जो भी बोलेगी अभी तो मैं वो बना दूंगी। उसके बाद अभी मौसम फिर से ख़राब हो गया है, जैसे बादल, मिट्टी, धूल सब उड़ रही है। उसके बाद सफाई करूँगी, फिर बस वही डेली रूटीन काम, इवनिंग टू नाइट जो भी रूटीन होता है, और फिर डिनर विनर। तो बस आज से अभी से मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अभी इलू जो है वो उठ गई थी, तो मैंने उसके लिए जो है ये बनाना शेक बना दिया है। चॉकलेट सिरप भी इसमें डाल दिया है। अब मैं इसे इलू को दे दूंगी। तो ये देखिए, इलू जो है बनाना शेक पी रही है। बनाना शेक जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो बस वही पी रही है इलू। तो ये देखिए, वापस से वैसा ही मौसम हो गया है। बादल आ गए और थोड़ी थोड़ी बारिश आती है, पूरी अच्छे से बारिश आती भी नहीं है, धूल भरी आंधी उड़ जाती है। तो ये बारिश होने लगी थी, तो मैंने इलू से बोला बाहर जो कपड़े सूख रहे हैं वो उड़ गए थे, ले आओ अंदर इलू। तो इलू कपड़े अंदर जब ले आई तो मैंने उन्हें समेटना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा भी हम इधर उधर रख देना तो उसके बाद आलस आ जाता है कपड़े समेटने में। तो बस वही है कि जैसे ही कपड़े आते हैं मैं समेट देती हूँ उन्हें साथ ही में। तो बस कपड़े समेट रही हूँ मैं। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि धूल भरी आंधी उड़ जाती है। हर शाम को यही वाली चीज़ होती है कि आंधी आ जाती है। तो बस वही है कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और वैसे भी जैसे आंधी नहीं भी आए ना, तब भी मैं 2-3 बार सफाई करती हूँ। पता नहीं, मेरी आदत है कि 2-3 बार झाड़ू लगा लेती हूँ। मुझे गंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद। और एक बार तो मैं दिन में घर को धोती ही धोती हूँ, पूरा घर धो डालती हूँ। तो बस मैं झाड़ू लगा रही हूँ। गाइज, अभी मेरे सारे काम हो गए हैं, मैंने कपड़े भी समेट लिए हैं और झाड़ू भी हो गई है शाम की सफाई मतलब की। अब टाइम आता है डिनर बनाने का। जब भी डिनर बनाने का टाइम आता है तो मैं इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ क्या बनाऊँ। डेली वही सब्जी, आलू, टमाटर, भिंडी, पत्ता गोभी, यही खा के ना बोर हो जाते। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बनाऊँ। तो आप लोग बता दीजिए क्या बनाऊँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और जो भी लेडीज़ हो, तो थोड़ा सा आइडिया देना यार कमेंट बॉक्स में कि डेली में क्या बनाना चाहिए, कि कुछ हटके हो। वैसे मैं बनाती हूँ डेली स्पेशल, बट अभी मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या बनाऊँ मैं, क्योंकि मैं डेली वही बना के और खा के ना परेशान हो चुकी हूँ। तो अभी कुछ नया सोचती हूँ। और छोले और राजमा और जो चावल वगैरह होते हैं वो भी बन ही जाते हैं डेली हमारे यहाँ, और अभी भीगे हुए भी नहीं है, उन्हें तो भिगोना पड़ता है। तो एकदम से जो अच्छी सी न्यू सी सब्ज़ी बन जाए वो क्या बनाऊँ, ऐसा कुछ सोचूँ। तो बस दिमाग लगा रही हूँ अपना कि क्या बनाऊँ। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जगेगी और मैं ऐसे ऐसे करूँगी। तो गाइज, मेरे दिमाग की बत्ती तो जो है वो थोड़ी सी जल चुकी है, और मुझे थोड़ा सा आइडिया आया है कि जो लोटस उनकी करी बनती है, तो मैं आज वही बनाऊँगी कि लोटस सीड्स की करी बनाऊँगी। बस थोड़ी सी टेंशन हो रही है मुझे कि इलू खाएगी कि नहीं। इलू क्योंकि थोड़ा सा चूजी है, तो इलू की टेंशन रहती है मुझे कि वो खाएगी कि नहीं। बट किसी भी सब्ज़ी में अगर प्याज डाल दो ना, तो इलू फटाक से खा जाती है। तो बस मैं प्याज वाली करी और टमाटर वाली करी से लोटस सीड्स की करी बनाऊंगी, और बस आज मैं वो बनाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिनर बनाना और रेसिपी भी देखते हैं साथ में, ठीक है? चलिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ टमाटर ले लिए हैं, एक हरी मिर्च ले ली है और एक प्याज ले लिया है। अब प्याज को क्या करेंगे कि हम रफली चॉप कर लेंगे, क्योंकि इसकी प्यूरी बनानी है बाद में, इसलिए मैं इसे अच्छे से नहीं कट करूँगी, ओनली रफली चॉप कर लूँगी। ये देखिए, मैं प्याज को रफली चॉप कर रही हूँ। मैंने प्याज रफली चॉप कर ली, अब मैंने धो लूँगी, तो ये हमारे प्याज धुल भी चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी कि टमाटर को भी रफली चॉप कर लूँगी ऐसे ही, क्योंकि इनकी भी हमें प्यूरी ही बनानी है। तो टमाटर को भी हमें रफली चॉप कर लेना है, ज़्यादा अच्छे से चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हमें हरी मिर्च को भी चॉप कर लेना है रफली। अब क्या करेंगे कि एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे,
और जब तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें 2 लौंग और 4 काली मिर्च मैंने डाल दी है। और अब मैंने डाल दिया है प्याज, और प्याज को अब हम पका लेंगे। और जब प्याज जो है पक जाएंगे तब हम उसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें पकने देंगे टमाटर के गलने तक। ये देखिए टमाटर गल चुके हैं, तो अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इन्हें रूम टेम्परेचर पर आने दूंगी। तो तब तक मैं क्या करती हूँ कि एक कटोरी में सारे जो मसाले हैं वो डाल करके मसालों का एक घोल बना लूँगी पानी डाल करके। आपको पता ही है मैं हमेशा मसाले घोल बना करके ही डालती हूँ, तो जो भी मसाले होते हैं मैंने वो डाल दिए। अब मैं पानी डाल करके अच्छे से इसका मिक्स कर दूँगी और एक घोल बना लूँगी। और अब क्या करेंगे, टमाटर जो है ठंडे हो चुके हैं तो मिक्सी में डाल दूँगी और इनको जो है प्यूरी बना लूँगी इनकी। तो ये देखिए अब टमाटर की जो प्यूरी है वो तैयार हो चुकी है। अब क्या करेंगे कि कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल देंगे और उसे गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं राई डाल दूँगी, और राई डाल देने के बाद से मसालों का घोल डाल रही हूँ और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों के घोल को तेल छूटने तक पका लेंगे। तो मसालों के घोल ने तेल छोड़ दिया था, तो अब मैंने टमाटर और प्याज वाली प्यूरी डाल दी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर थोड़ा सा पानी डाल दूंगी इसमें और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इसमें उबाल आ चुका है तो यहाँ पे मैं मलाई डाल रही हूँ, फ्रेश क्रीम। आप दूध भी डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं, बट मुझे दूध और मलाई पसंद है तो मैंने मलाई डाल दी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ कसूरी मेथी 1 टीस्पून। हाथों से मसल कर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसमें गरम मसाला डाल दूंगी 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाल दूंगी। इससे क्या होता है कि इस तरीके से बनाने से बिल्कुल सब्जी जो है होटल जैसी ग्रेवी बनती है। और टेस्ट को एडजस्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी और उसे भी मिक्स कर दिया। तो दूसरे साइड पर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया कढ़ाई ग्रेवी वाली, और एक पैन चढ़ा दिया है और उसमें घी डाल दिया है। और उसमें हम अपने जो लोटस सीड्स हैं उन्हें रोस्ट कर लेंगे अच्छे से घी में। आप चाहें तो तेल में भी कर सकते हैं, बट घी में अच्छा टेस्ट आता है। तो थोड़े से घी में हमें इन्हें रोस्ट कर लेना है, और आप चाहें तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। तो अब ये रोस्ट हो चुके थे तो मैंने ग्रेवी में इन्हें डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालकर मिक्स कर लेना है इन्हें। तो अब मैं मिक्स कर देती हूँ। तो ये जो हमारी सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है, इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब क्या करूँगी कि मैं आटा लगा रही हूँ, आटा छान रही हूँ, और फिर मैं आटा लगा लूँगी। आज बस इतना ही बनाने का मूड था कि बस ऐसी लोटस सीड्स की करी बना ली और रोटी। कई कई बार एक सब्ज़ी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है खाने में, तो आज मूड भी नहीं था और कई दिनों से मेरा मन भी नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। तो आज बस इतना ही बना रही हूँ मैं। मैंने आटा लगा लिया, बाद में रायता और अमरस भी मैं बना लूँगी। तो अभी मैंने आटा लगा लिया है, अच्छे से घी लगा के भी एक बार अच्छे से मसल लेंगे ताकि फूली फूली रोटियाँ बने। तो अब ढक कर के रख दूँगी तब तक रोटियाँ ना बनानी हो। तो अभी मैं और इलू मंदिर में आ गए थे और इलू ने बोला कि आज मैं अगरबत्ती करूँगी, आज मैं पूजा करूँगी। तो इलू जो है अगरबत्ती कर रही है, शाम के टाइम की पूजा कर रही है इलू, और मैं बस इसकी वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए मेरे गणगौर और ईसर जी हैं। तो अब इलू सारे घर पे अगरबत्ती कर देगी। फिर इलू को भूख लगी तो मैंने बोला चलो रोटी बना दूँ, तो इलू ने बोला मम्मी आज मैं ही बनाती हूँ रोटियाँ सबकी। तो बस मैं इलू की वीडियो बनाने लगी। देखिए इलू कितनी अच्छी अच्छी रोटियाँ बना लेती है, हालांकि इसको प्रैक्टिस नहीं है लेकिन एक दो बार इसने बनाई है। बट देखिए कितना ठीक से बना लेती है, कुछ काम मैं इसे करवाती नहीं हूँ बट जब ये करती है तो बहुत अच्छा करती है। तो बहुत परफेक्ट नहीं बनी है बट इसकी जो रोटियाँ होती हैं ना वो फूलती ज़रूर है, चाहे साइज़ और जो शेप कैसी भी हो। तो एक मैंने तवे पर डाल दी है और ये दूसरी बेल रही है रोटियाँ, सेक मैं लूँगी और बेल इलू रही है। तो बस इलू ने दूसरी रोटी भी जो है बेलना स्टार्ट कर दिया है। तो अब मैं इसे पलट दूँगी, एक साइड से ये सेक चुकी है। तो ये देखिए इलू ने दूसरी रोटी भी बना दी है। तो कई कई बार इलू को शौक लगता है कि मैं कुछ करूं, तो ये देखिए कितने अच्छे से फूली है। इलू जो भी रोटी बनाती है वो ज़रूर फूलती है, ये बात तो बहुत अच्छी लगती है मुझे कि इसके हाथ से जो भी रोटी बनती है वो फूलती ज़रूर है। तो ये देखिए कितनी फूली फूली रोटी बनी है। तो दूसरी रोटी भी मैंने तवे पर डाल दी है और अब मैं रोटियों पर साथ साथ घी भी लगाते जाऊँगी। तो हमारी रोटियाँ तो तैयार हो चुकी हैं। तो अब बस मैं बर्तन कर लेती हूँ, जो भी बर्तन हो गए थे वो मैं कर लूँगी और उसके बाद मैं वॉक करने जाऊँगी। तो ये बर्तन बस कर दे रही हूँ, उसके बाद हस्बैंड आएंगे तब डिनर कर लेंगे। और जो थोड़े से ही बर्तन बचते हैं उसके बाद तो बस वो मैं बाद में झटाझट फटाफट कर लूँगी।
तो ये वाले बर्तन तो अभी कर देती हूँ, बाद में वो वाले बर्तन कर दूंगी। तो गाइज मैंने अपने फेस को जो है फेस वॉश से वॉश कर लिया है, अब मैं स्क्रब करूंगी। स्क्रब मैं एवरयूथ का यूज लेती हूँ, वॉलनट वाला है, कोई भी यूज ले लेती हूँ मैं। अभी एक्चुअली मेरे हस्बैंड नहीं आए थे तो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम को भी यूज ले लिया जाए। तो अब मैं स्क्रब करने वाली हूँ क्योंकि काफी टाइम हो गया वाइटी 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 के चक्कर में अपने फेस की केयर तो करना तो भूल ही गई थी। तो चलिए पहले मैं स्क्रब कर लेती हूँ। तो देखिए गाइज मैं जो है अपना स्क्रब कर रही हूँ। स्क्रब जो है हमें वीक में एक बार जरूर करना चाहिए, इससे हमारी जो डेड स्किन होती है वो निकल जाती है। मैं वही कर रही हूँ। आज अभी थोड़ा टाइम मिला था तो मैंने सोचा अपने फेस की थोड़ी केयर कर लूँ, इसके बाद मैं इसे वॉश कर लूँगी और फिर फेस पैक भी लगाऊंगी। तो देखिए मैंने स्क्रब तो कर लिया, स्क्रब के बाद मैंने अपने जो फेस को है वॉश भी कर लिया। अब मैं लगाऊंगी फेस पैक, ये वेट वाला फेस पैक है, प्योर रूट्स का है। मैं कोई भी फेस पैक यूज लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ये ही लगाऊंगी वो लगाऊंगी, मैं कोई भी यूज लेती हूँ। तब मैं लगाने जा रही हूँ अपने फेस पे फेस पैक। इससे थोड़ा वीक में अब मैं भी अपना ख्याल रखूंगी, वीक में एक बार ये सब करना चाहिए सबको। तो बस अब मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद इसको ड्राई करके और बस फेस वॉश कर लूंगी। तो देखा आपने मैंने जो है फेस पैक लगा लिया है, फेस पैक लगाकर अब मैं इसे ड्राई कर रही हूँ। इसी बार में होगा क्या कि मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, पैक लगा के अब मैं थोड़ा सा आराम कर लूंगी और फिर इसे वॉश कर लूंगी और फिर बस वही क्रीम पाउडर लगा के तैयार हो जाऊंगी नहा धो के। मेरे हस्बैंड भी आने वाले तो मिलते हैं बाद में आपसे। तो डिनर के बाद हम लोग खा रहे हैं मैंगो। मैंगो पार्टी ज़रूर होती है डिनर के बाद। और डिनर की वीडियो तो काफ़ी बार मैंने शूट कर ली तो मैंने सोचा बार बार क्या डिनर की वीडियो शूट करना, तो बस मैंगो खा रहे हैं इलू और हस्बैंड। और उसके बाद इलू सो गई थी, ये देखिए कितना मुंह को ढक कर के सोती है वो। तो बस अब मेरे हस्बैंड जो है मेरी बालों की जो है मालिश कर रहे हैं, क्योंकि शादी के बाद हस्बैंड ही होते हैं, माता भी हस्बैंड, पिता भी हस्बैंड ही होते हैं और फ्रेंड भी वही होते हैं। तो इसलिए बस हम लोग एक दूसरे की ऐसे ही केयर कर लेते हैं। तो बस वो मेरे बालों में तेल मालिश कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे शैम्पू करना था। तो बस आज का व्लॉग मैं इतना ही बनाऊंगी, यहीं पे मैं अपने व्लॉग को एंड कर दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।